अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे भी होंगे, खुश भी होंगे, और हम भी सब अच्छे हैं। और हम आपके लिए हमेशा सबों के लिए दुआ करती हूँ, और आप भी हमारे सबों के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह एक दूसरे की दुआ एक दूसरे को कबूल फरमाते हैं। ये चैनल मैंने बच्चों की तालीम के लिए निकाली हूँ, आप इसे अच्छे से देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और जज़ाए खैर में शामिल हो जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों को जज़ाए खैर अता करेंगे। पता है मेरी पहली रेसिपी गई हुई है खप्सा की, मगर बहुत पुरानी है, और आज मैं खप्सा बना रही हूँ एकदम प्रॉपर अरबी टाइप। सिर्फ उसमें मायनूस और चीज नहीं डालूंगी, बाकी सब कुछ डालूंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यानी क्यूब से, नमक से नहीं। नमक डालते हैं तो थोड़ा उतना टेस्ट नहीं आता, और क्यूब से ज्यादा टेस्ट आता है। आप देख लो और आप करके देखो, बहुत बेहतरीन है। और छोटे चावल से करो, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है रोजमर्रा के चावल से। जिसको लगने वाली चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है 800 ग्राम चावल। चावल अपने रोजमर्रा के खाने के चावल ली हूँ, लंबे चावल लॉन्ग राइस नहीं ली हूँ, ये अच्छे लगते है। पता है ये है 1.5 किलो चिकन का गोश्त है, और ये है मेरे घर में साफ किया हुआ किसा हुआ हमेशा गाजर रहता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लाने वाला कोई नहीं मिलता। तो दो रंग के गाजर है, एक मौसमी गाजर है एक बगैर मौसमी है। तो ये कम से कम 300 ग्राम गाजर होगा, हाँ, जिसको किसा हुआ है। और ये है 400 ग्राम टमाटर। ये 100 ग्राम बगैर तीखी मिर्ची है, जिसको मैंने इसे काट के ली हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो मैं लूंगी वो आपको दिखाऊंगी। और ये है मैगी क्यूब, एक दोनों पॉकेट लिए जाएंगे, एक चार रहते हैं इसमें, क्यूब चार रहते हैं, दोनों लूंगी। यानी नमक डाला तो भी थोड़ा डालने पड़ेगा, नहीं तो इसी से बस हो जाता है। और ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर जो लूंगी वो आपको मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है प्याज। प्याज मैंने 400 ग्राम ली हूँ, और उसमें 150 ग्राम तेल डाली हूँ, और इसको जरा गुलाबी रंग होने तक भूनूंगी। और ये हस्ती जो आ रही है वो मुझे अपने सगे बड़ी बहनों की तरह है, बहुत नेक हस्ती है, जिनके लिए मैं समोसे भी बना रही हूँ, उनके पसंद के बकरे के खीमे के समोसे। अब मैं समोसे आपको दिखाऊंगी नहीं, मगर यही सब आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैं मैगी वगैरह डाल के बना रही हूँ। इसमें चीज और मायनूस डाले ना तो भी अच्छा लगता है, मगर मेरी जो आप आ रही हैं उन्हें चीज मायनूस पसंद नहीं, उनको ऐसे ही खप्सा पसंद। और उन्होंने बोले ज्यादा तकलीफ दिए तो मैं आऊंगी नहीं, सिर्फ मुझे खप्सा बनो, तो मैं उनके उसके साथ सिर्फ समोसे बना रही हूँ। और घर में आज कोई है भी नहीं कि लाके दे, मेरी बेटी और मैं ही हूँ, और बेटी तो काम में रहती है। देखो अपने प्याज का कलर ऐसा हो गया। अब इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मेरा खत्म हुआ है, ये 1.5 टेबल स्पून पकड़ के लो, क्योंकि इसमें मैं डाल रही हूँ। देखो 1.5 टेबल स्पून हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा कच्चेपन खत्म हो गया, 2 चम्मच हमारे बस हो गए। अब इसमें जाएंगे अपनी मिर्ची, अब इसमें जाएगा अपना पूरा चिकन, बड़े बड़े मैंने पीस रखे हूँ, आप छोटे लिए तो भी चलता है, कोई बाहर का आए तो इंसान एकदम ध्यान से करता है ना, वो बाहर के नहीं मेरे अपने हैं, मगर कोई भी मेहमान आए मेरी खुशी की एक अलग बात होती है। अब बीमार हूँ
उतना नहीं होता पहले जैसा, बीमार नहीं बुढ़ापा है। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, तो उतना पहले जैसे नहीं होता। अगर पहले जैसे होता तो और कितना करती मैं, पता है। चिकन डालने के बाद भी मैंने थोड़ा उसको भून ली, 5 मिनट मैंने भूनी, यानी अच्छा लगता है वो चिकन भुना हुआ। अब इसमें दूसरी चीजें डाल रही हूँ, इसमें हल्दी जाएगी 1 चाय की चम्मच छोटी। हाँ, मैंने चारों क्यूब के टुकड़े डाल दिए, लगा तो थोड़ा नमक लगेगा, नहीं तो नमक लगेगा भी नहीं। थोड़ा नमक लगा तो चखने का और डालने का, और आपको नमक डालना ही नहीं बिल्कुल है, टेस्ट बहुत सारा चाहिए तो 5 क्यूब डालने के, यानी अपना पूरा हो जाएगा। अब इसमें जाएगा अपना सब टमाटर, अब इसको बंद करके रखूंगी पकने को अच्छे से। टमाटर के पानी में अच्छे से पकता है अपना। अभी इसको पकने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए, अपना चिकन अच्छे से पका, अभी भी वो पकेगा अपने चावल में। अब इसमें जा रहा है अपना गाजर, अब गाजर को एक जग कर रही हूँ, पानी अपने चावल के मुताबिक डालने का। हाँ, क्योंकि छोटा छोटा चावल चाहिए, छोटा चावल देखो अच्छा लगता है, वो नरम नहीं होता, और रहा चावल तो भी गरम करे तो नरम नहीं होता। आपको अगर नरम लगता हो तो आप नरम कर लो, कोई बात नहीं, मगर मेरे घर में मेरे लिए खासकर मैं छोटे चावल बनाती हूँ, मैं नहीं खा सकती थोड़ा भी नरम हो जाए तो। अब इसमें डालूंगी पानी, पानी चावल के मुताबिक डालने का, जितने चावल उतना पानी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक लगेगा, 4 क्यूब डाल के भी। आधी चाय की चम्मच नमक डाल रही हूँ, और 5 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि अपनी बोटी बड़ी बड़ी है तो अच्छे से वो गलेगी, और उसके साथ ही चावल डाल रही हूँ। पांच मिनट पक गए, अब इसमें अपने चावल डाल रही हूँ सब। ये नाप का हो जाएगा तो भर जाएगा पूरा। अभी पानी सूखने तक यानी प्लेट मार के रखी हूँ, बीच में अपने चम्मच मारने का। अपना सूख गया और पानी वगैरह सब बराबर हुआ, कुछ लगेगा नहीं। इसको अब तवा रखूंगी नीचे और 5 मिनट के लिए दम दूंगी, और 5 मिनट वैसे ही बंद करके रखूंगी, फिर आपको मैं परोस के दिखा दूंगी। आपको मेरी आवाज अब आती है कि नहीं वो बताना, नहीं तो मैं माइक लगाऊंगी। बच्चों ने माइक लाए हैं, मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है लगाने को। अब इसके नीचे एक तवा रखो और फास्ट गैस पे तवा 3 मिनट रखूंगी, बारीक गैस पे 2 मिनट रखूंगी, और फिर बंद करके रखूंगी 5 मिनट, और फिर परोस के दिखाऊंगी। ये देखो अपना खीमा भी हो गया, खीमे में ज्यादातर चर्बी कुट के देते हैं, जिससे बहुत तेल छुपता है। देखो अपना खपसा हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटा छोटा भी है। हाँ, अब आपको प्रेस के दिखा रही हूँ। अपनी बोटी भी देखो अच्छे से हो गई है। हाँ, देखिए आपको इस पर भी समझता होगा,
मेहमान इसलिए तोड़ नहीं रही हूँ। अपना खपसा हो गया, बहुत बेहतरीन है और हल्का हल्का भी पेट के लिए, कम मसाले, बीमार के लिए भी अच्छा। आप करो, आपको जरूर अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखने के लिए बहुत सारा जायक है। अल्लाह हाफिज़।